नमस्कार, आप सब कुशल होंगे ऐसी शुभकामना करते हैं। आपका और आपके परिवारजनों का सबका हेल्थ अच्छा होगा ऐसी हम आशा रखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट है शुक्र ग्रह लव गुरु विनाश। लव गुरु शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में कैसा फल देने वाले हैं। प्रत्येक राशि में, प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को ये कैसा फल देने वाले होंगे, ये है आज का सब्जेक्ट। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जो शुक्र का भ्रमण है ये 14 तारीख को सुबह 9:09 को इंडिया टाइम पर शुरू हो चुका है मिथुन राशि के अंदर, और ये 25 जून तक है। 25 जून को सुबह 8:15 तक है। इसमें जो मिथुन में है ये 22 तारीख तक है, और पुनर्वसु में जो कर्क राशि के अंदर चलेंगे 25 तारीख तक चलेंगे। तो 22 तारीख को, 22 जून को जो शुक्र का भ्रमण है वो दोपहर में 2:23 को इंडिया टाइम पर ये कर्क राशि के अंदर होगा। तो मिथुन राशि में और कर्क राशि के अंदर पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र का फल क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सर्वप्रथम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो शुक्र का जो भ्रमण है वो आपके लिए तीसरे स्थान के अंदर है। 22 तारीख तक आपके पराक्रम में, साहस में वृद्धि करने वाला है, और उसके बाद शुक्र चलेंगे चौथे स्थान के अंदर जो आपके आपके सुख में वृद्धि करने वाले होंगे। अब पुनर्वसु का जो ट्रांजिट है ये भले शुक्र पराक्रम स्थान के अंदर है लेकिन मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातक अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो शुक्र है ये वध नक्षत्र में है। तो भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए शुक्र साधक है, आपके लिए सक्सेस देने वाले हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाले हैं, आपको नए साहस से सफलता देने वाले हैं, आपको कुछ नया काम मिल सकता है। आप इंटीरियर में हैं या फैशन में हैं, आप एक्टिंग में हैं, आप मॉडलिंग में हैं, लग्जरियस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, तो शुक्र आपके लिए कुछ बड़ा काम का उम्मीद लेके आने वाले हैं। और शुक्र का कृतिका नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए ऑपोजिशन करने वाला होगा। कहाँ से होगा? आपके ब्रदर सिस्टर्स एवं नेबर्स की ओर से होगा, या तो आपके माता की ओर से होगा, या तो आपके कोई वडील है, बुजुर्ग है, उनकी ओर से आपका ऑपोजिशन होने की संभावना है। तो आप देख रहे हैं कि राशि एक ही है लेकिन नक्षत्र बदलने के कारण फल बदल जाते हैं। तो यदि आपको मालूम नहीं है कि आपका जन्म का राशि और नक्षत्र क्या है तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, समय व्हाट्सएप करके आप जान सकते हैं कि आपका राशि और नक्षत्र क्या है। शुक्र ग्रह की रेमेडी के लिए क्या करना है देखते रहिए वीडियो एंड तक। वीडियो के आखिर में हम आपको रेमेडीज भी बता देंगे कि शुक्र ग्रह की शांति के लिए आपको क्या करना है। तो शुक्र का जो ट्रांजिट है ये वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा होगा। वृषभ में जन्म जातकों के लिए शुक्र धनस्थान के अंदर है। वाणी में जितनी मिठास नरमास रखेंगे इतना ही आपको लाभ रहेगा। कृतिका में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए शुक्र का ट्रांजिट ऑपोजिशन करने वाला होगा। आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपका ऑपोजिशन करेंगे, और या तो आपके इन लॉज की साइड से भी आपका ऑपोजिशन हो सकता है। कृतिका के बाद वृषभ रोहिणी के लिए जो ट्रांजिट है ये थोड़ा सफलता देने वाला होगा। आपके लिए जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपको सपोर्ट करने वाले होंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाले होंगे, तो रोहिणी के लिए फल शुभ है। और वृषभ मृगशिरा के लिए शुक्र विपद तारा के अंदर है, तो जो घर की लेडी है और बड़ी उम्र वाली जो जैसे माता है या तो कोई भी जो बड़ी लेडी है, आपकी बड़ी बहन है, या घर के अंदर कोई भी जो आपसे बुजुर्ग है, आपसे बड़ी है, ऐसी जो व्यक्ति है उनसे आप उनकी ओर से आपको टेंशन मिलने की संभावना है। यदि आपका जन्म वृषभ मृगशिरा में हुआ है या तो मिथुन मृगशिरा के अंदर हुआ है, तो मिथुन मृगशिरा के लिए आपके पार्टनर की ओर से टेंशन आएगा, और उसके बाद फैमिली मेंबर्स की ओर से आएगा जब 25 तारीख को शुक्र बदल के चलेंगे कर्क राशि के अंदर।
तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए फल क्या होगा? 12वें स्थान में शुक्र उच्च राशि तो नहीं है लेकिन मिथुन राशि के अंदर है, तो आपके खर्चे बढ़ाने वाले होंगे। और बदलने के बाद शुक्र आपकी राशि के अंदर आने के बाद जो शुक्र का ट्रांजिट है ये आपके लिए पुनर्वसु के लिए वैभव लक्ष्मी योग कारक बनेंगे, जिसके कारण आपको ये धन संपत्ति में वृद्धि करने वाले बनेंगे। पुष्य के लिए अतिमित्र नक्षत्र में है, जिसके कारण आपको कोई नया लव वन मिल सकता है, लव मैटर में सक्सेस देने का पावरफुल योग क्रिएट करेंगे। और आश्लेषा के लिए ट्रांजिट मध्यम फलदायी होगी। तो फिर भी शुक्र आपकी राशि के अंदर आने के बाद आपके लिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को ये थोड़ा सा रोमांटिक बनाएंगे और आपके लिए सक्सेस योग बनेंगे। तो मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए शुक्र का फल क्या होगा? मिथुन आद्रा के लिए जो शुक्र है वो अति मित्र नक्षत्र में है, लेकिन ये आपका शत्रु है। एग्जैक्टली शत्रु योनि तो नहीं है लेकिन योनि दोष बनता है। योनि दोष बोले तो जो ये शुक्र चलने वाले हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, इसकी योनि है मांजर योनि, मांजर माने बिल्ली। और जो आद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है इनकी योनि है श्वान, श्वान माने कुत्ता। तो बिल्ली तो कभी कुत्ते को सपोर्ट नहीं करेगी। इसके कारण क्या होगा कि भले आपके अति मित्र नक्षत्र के अंदर हैं लेकिन जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके लव वन हैं, आपसे दूर भागेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका कुछ कहा इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो उसके कारण थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। पुनर्वसु के लिए अच्छा है, पुष्य के लिए भी अच्छा है, आश्लेषा के लिए मित्र तारा के अंदर है, लेकिन ठीक ठीक है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सिंह राशि के लिए बात करें तो मघा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ फल देने वाली ये ट्रांजिट है, क्योंकि आपके लिए शुक्र विपद और वध नक्षत्र के अंदर हैं। तो 25 तारीख तक जब तक शुक्र चेंज नहीं होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में से, क्योंकि आपको तो संपत्ति देने वाले ग्रह भी शुक्र हैं, और शुक्र जब शत्रु योनि में बैठेंगे तो आपके लिए फाइनेंस में प्रॉफिट करने के बजाय ये लॉस क्रिएट करेंगे। तो जो कोई भी जातक शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग इत्यादि से कनेक्टेड है ये जातकों को बहुत केयरफुल रहना होगा। 25 तारीख तक का जो ट्रांजिट है ये आपके लिए ठीक नहीं है। यदि आपका जन्म का सूर्य मघा नक्षत्र में है या जन्म का चंद्र भी मघा नक्षत्र में है, ग्रहों का जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो दो प्रकार से होता है। सूर्य से जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो फिजिकल होता है, चंद्र से जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो मानसिक होता है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में है तो ये प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होगा। तो पूर्व फाल्गुनी सिंह वाले जातकों के लिए ये सक्सेस जोन के अंदर हैं, तो आपके लिए लाभ करने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर भी योनि दोष तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी की योनि मूषक योनि है और इसकी जो योनि है पुनर्वसु की मांजर योनि है, तो 100% तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। भले आपके लिए साधक है लेकिन आपको 100% बेनिफिट तो इसका नहीं मिलेगा। आपको करीबन 25-30 या ज़्यादा से ज़्यादा 35% आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। उत्तर फाल्गुनी के लिए ऑपोजिशन होगा, आपके लव वन आपका ऑपोजिशन करेंगे, आपके संतान आपका ऑपोजिशन करेंगे। तो सिंह उत्तर फाल्गुनी और कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए भी ट्रांजिट ठीक नहीं होगा। और कन्या वाले जातकों के लिए शुक्र 10वें एवं 11वें स्थान के अंदर चलेंगे, लेकिन उत्तर फाल्गुनी के लिए फादर से ऑपोजिशन हो सकता है। और यदि आप लग्जरियस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, होटल मोटल रेस्टोरेंट्स, तो उसमें भी बहुत बाधाएं डिस्टर्बेंस आ सकती हैं। हस्त वाले जातकों के लिए ये ट्रांजिट क्षेम तारा के अंदर होगी, तो आपके लिए ये सक्सेस जोन के अंदर है, आपके कामकाज में वृद्धि होगी। चित्रा कन्या के लिए फल शुभ नहीं है, आपके लिए विपद तारा के अंदर है, तो आपके लिए टेंशन स्ट्रेस में वृद्धि करने वाले होंगे। तो आप देख रहे हैं कि राशि एक ही है लेकिन नक्षत्र बदलने के कारण फल बदल जाते हैं। तो कन्या चित्रा के लिए भी 10वें स्थान से 11वें स्थान में चलेंगे। तुला चित्रा के लिए फल क्या होगा? तुला चित्रा के लिए जो है वो भाग्य स्थान से निकल कर चलेंगे 10वें स्थान के अंदर, तो भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं।
आपका भाग्य चमकने वाला है, आपका किस्मत चमकने वाला है। तो आपके लिए शुक्र का ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला है। और यदि आप लग्जरियस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, लाइक होटल मोटल रेस्टोरेंट्स इत्यादि व्यवसाय से कनेक्टेड हैं, तो आपके लिए तो चांदी चांदी है। वृश्चिक राशि, तुला चित्रा के बाद चित्रा के लिए थोड़ा सा टेंशन के साथ वृद्धि होगी भाग्य में और बिजनेस के अंदर, लेकिन वृद्धि होना निश्चित है। तुला साथी के लिए इसका जो फल है एक्सट्रीमली शुभ फल होगा, क्योंकि आपके लिए शुक्र संपत्ति तारा के अंदर है, आपके बिजनेस में करियर में प्रोग्रेस करवाने वाले होंगे। तुला विशाखा के लिए मध्यम है, वृश्चिक विशाखा के लिए भी मध्यम है, क्योंकि आपके लिए जन्म तारा के अंदर है, आठवें स्थान में 22 तारीख तक, उसके बाद भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे शुक्र जब चलेंगे आगे स्थान के अंदर। तो शुक्र का ट्रांजिट जो है ये वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा होगा, 22 तारीख तक शुक्र अष्टम स्थान में है, तो लव मैटर में तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट महसूस करेंगे। विशाखा के लिए जन्म तारा के अंदर है, अनुराधा के लिए अति मित्र नक्षत्र में है, तो धन संपत्ति में तो वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि है वो आपके धन स्थान के अंदर होगी और बदलने के बाद भाग्य में वृद्धि करेंगे। ज्येष्ठा के लिए मित्र तारा के अंदर है, तो आपके लिए भी मध्यम फलदायी है। धनुराशि, धनुराशि में मूला नक्षत्र में जन्मे हुए जातक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन तनावपूर्ण रहेगा, आपके लिए सबसे ज़्यादा अशुभ फल होगा, आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में भारी तनाव आने की संभावना है। पूर्व सड़क के लिए भी इतना शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ा सक्सेस जोन के अंदर है, साधक तारा के अंदर है, और उत्तरा सड़क में जिनका जन्म हुआ है इनका ऑपोजिशन होने की संभावना है। ऑपोजिशन कहाँ से होगा, आपके पार्टनर की ओर से होगा। तो मकर राशि के लिए बात करेंगे, मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र पंचम स्थान के अंदर है, मकर उत्तर सड़क के लिए प्रत्यारी नक्षत्र में है, यानी कि ऑपोजिशन होगा। कहाँ से होगा, आपके संतानों की ओर से होगा, आपके लव वन की ओर से होगा। और मकर घनिष्ठा के लिए विपद तारा के अंदर है, तो आपके लिए ठीक नहीं है। मकर श्रवण के लिए जो शुक्र है वो क्षेम तारा के अंदर है, तो आपके लिए मध्यम फलदायी है। तो शुक्र का ट्रांजिट मकर राशि वाले जातकों के लिए मध्यम फलदायी है पंचम स्थान के अंदर। और इसके बाद बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, तो कुंभ वाले जातकों के लिए जो शुक्र है आपके लिए पंचम एवं छठवें स्थान के अंदर होंगे, तो पांचवें स्थान में शुक्र का जो भ्रमण है ये आपके धन संपत्ति में वृद्धि करने वाला होगा। मकर कुंभ घनिष्ठा के लिए मध्यम फलदायी है, कुंभ सत विशा के लिए इसका सबसे ज़्यादा फल होगा अच्छा, क्योंकि आपके लिए संपत्ति तारा के अंदर होंगे पंचम स्थान के अंदर। और कुंभ पूर्व भद्रपद के लिए मध्यम तारा में है, जन्म नक्षत्र के अंदर है, तो आपके लिए मध्यम फलदायी है। मकर की बात फिर से बात करेंगे, मकर वाले जातकों के लिए शुक्र का ट्रांजिट छठवें स्थान में होगा, तो छठवें स्थान के अंदर जो चल रहे हैं अभी छठवें स्थान में चल रहे हैं, नॉट इन द फिफ्थ हाउस बट इन द सिक्स्थ हाउस, तो शुक्र आपके छठवें स्थान के अंदर हैं, ये शुक्र आपका खर्चा बढ़ाने वाले हैं। नक्षत्र का ट्रांजिट जो फल है वो सेम रहेगा, उत्तर सड़क के लिए ऑपोजिशन होगा। कहाँ से होगा, साथ में काम करने वाले सहकर्मचारीगण से होगा, या तो मामा मौसी की ओर से होगा। और मकर श्रवण के लिए ठीक है, क्षेम तारा के अंदर है। मकर घनिष्ठा के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ फल होगा, क्योंकि आपके लिए विपद नक्षत्र में है, तो सबसे ज़्यादा भार क्रिएट किसको होगा, मकर घनिष्ठा को होगा, क्योंकि साथ में काम करने वाले जो लोग हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस, उसमें भी खास करके कोई लेडीज़ है, क्योंकि शुक्र के अंडर में जो फीमेल्स हैं वो शुक्र के अंडर में आती हैं, तो इसमें भी साथ में काम करने वाले कोई सहकर्मचारी लेडी है तो आपके लिए ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर सकती हैं। कुंभ घनिष्ठा के लिए पंचम एवं छठवें स्थान के अंदर है, धन संपत्ति में वृद्धि करने वाले हैं। कुंभ घनिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, टेंशन के साथ आपका काम होगा। कुंभ सद्विशा के लिए इसका फल एक्सट्रीमली शुभ होगा, और कुंभ पूर्व भद्रपद के लिए ये जन्म तारा के अंदर है, तो आपके लिए मध्यम फलदायी है।
और मीन पूर्व भाद्रपद के लिए चौथे स्थान के अंदर है, तो आपके लिए भी मध्यम मध्यम है। मीन उत्तर भाद्रपद के लिए अति मित्र नक्षत्र में है और मीन रेवती के लिए ये मित्र नक्षत्र में है, तो आपके लिए फिर भी चौथे स्थान में शुक्र का फल शुभ माना गया है। तो अशुभत्व के निवारण के लिए क्या करना है, खाने में बेसन की जो चीज़ है जैसे सेब है, गाठिया है, बूंदी है, ऐसा या तो चना है भुना हुआ चना या तो दालिया है, ऐसी बेसन के आइटम का खाने में प्रयोग ज़्यादा करें। मंत्र करें ओम ह्रीं क्लीं गुरुवे नमः, या तो मंत्र कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इस प्रेडिक्शन को आप जन्म कुंडली के गोचर ट्रांजिट के साथ साथ जन्म कुंडली देखने के अंदर भी देखने के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जुड़े रहिए चैनल में हमारे साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि चैनल से जो भी नया वीडियो अपलोड होता है इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले।